तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने खड़ी है स्प्लेंडर की जो कि न्यूली लॉन्च रहने वाली डिस्क वेरिएंट आइए जानते हैं क्या प्राइस है क्या स्पेसिफिकेशन है क्या माइलेज रहने वाली है क्या न्यू चेंजेस है सो so, सबसे पहले मैं की से स्टार्ट करूंगा तो की आपको इसमें नॉर्मल सी की मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको हीरो की ब्रांडिंग मिल जाएगी और हीरो का लोगो मिल जाएगा और वहीं बात करूँ अगर फ्रंट लुक की तो एक बार आप लुक देख लो फ्रंट का हेडलाइट से शुरू करते हैं तो हेडलाइट आपको एल में नहीं मिलने वाली है ये आपको हेलोजन में मिलने वाली है क्योंकि ये एक्सटैक टू पॉइंट वन रहने वाली है टू पॉइंट टू में आपको एल मिलती है जैसे कि देख सकते हैं टू पॉइंट टू यहाँ पर खड़ी है तो आपको एल में डी और एल में ही मिल जाता है हेडलाइट बस आपको यहाँ पे एल में डी मिलते हैं यहाँ आपको स्पलेंडर की मिल जाती है ब्रांडिंग यहाँ पर आपको ब्लू कलर के स्ट्रिप्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं और ऑल ब्लैक का थीम रहने वाला है इस बाइक पर और नीचे की बात करूँ यहाँ पे तो आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि अलग शेप में रहने वाले मतलब जो ओरिजिनल इसमें आते थे स्क्वायर शेप में आपको एक्स्ट्रैक टू पॉइंट टू में डिफरेंस मिलेगा साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको मिल जाते हैं नंबर प्लेट के लिए अटैचमेंट यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो फ्रंट मड की बात करूँ तो ये फाइबर में रहने वाली है जो कि ग्लॉसी ब्लैक में रहने वाली है अगेन और फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको टेलीस्कोपिक मिलने वाली है ब्लैक और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आपको सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और जो मोइनी इसमें चेंज हुआ है वो डिस्क देख सकते हैं आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी बड़े डिस्क मिल जाते हैं आपको और कैलीपर की बात करूँ तो आपको ट्विन पिस्टन मिलते हैं सिंगल नहीं ट्विन पिस्टन मिलते हैं जो कि एंडोरेंस कंपनी के रहने वाले हैं जो कि वेल नोन ब्रांड है और फ्रंट की टायर की साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एटी हंड्रेड एटीन इंच एक बार आप यहाँ पे फोकस कर देता हूँ मैं कैमरा से आपको यहाँ मिल जाता है एटी हंड्रेड एटीन इंच एटीन इंच के आपको इसमें टायर मिलने वाले और एलआई की बात करूँ तो मैट ब्लैक में रहने वाले तो काफ़ी अच्छा इसका थीम निकल के आता है ऑल ब्लैक का और साइड लुक की बात कर लूँ तो यहाँ पे आप साइड लुक देख सकते हैं आपको टैंक वही ओल्ड शेप वाला मिलता है यहाँ पे आपको ब्लू की स्टिकरिंग मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लू स्टिकरिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको थ्री में हीरो की ब्रांडिंग मिलने वाली है जैसे कि आप देख सकते हैं और टैंक कैपेसिटी की बात करो तो आपको नाइन पॉइंट की मिल जाती है ऑलमोस्ट दस लीटर की मिलती है और माइलेज की बात करो तो फिफ्टी फाइव सिक्सटी मिल जाती है मेरे काफ़ी दोस्तों के पास है तो वो इतना ही माइलेज निकालते हैं बाकी आपके राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करती है आप कितना निकाल सकते हो और यहाँ पे साइड साइड में आपको चेंज मिल जाती है ये आपको क्रोम वाली मिलती है यूटिलिटी बॉक्स एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल हो जाता है अगर आप पेपर वगैरह या फिर टूल किट वग़ैरह कुछ रखना चाहो तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है ये जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं कुछ और यहीं पर आप इसको लॉक कर सकते हैं और यहाँ पे साइड की बात करूँ पैनल पे तो यहाँ पे आपको एक्सटेक की ब्रांडिंग मिल जाएगी यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस की आपको मिल जाएगी थ्री में ब्रांडिंग और सीट की बात करूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल मिलने वाली है आपको और लॉन्ग सीट मिलने वाली है, तो दो जने आराम से इसमें बैठ सकते हैं आप और यहाँ पे आपको थ्रेड का भी वर्क मिल जाता है नॉर्मल स्प्लेंडर में आपको नहीं मिलता ये एक्सट्रैक में ही मिलता है और इसकी अगर सीट हाइट की बात करूँ तो आपको सेवन हंड्रेड एटी की मिल जाती है तो आराम से शॉर्ट राइडर भी चला सकते हैं इसे आप देख सकते हो मेरा पैर जो है फ्लैट फुट रहने वाला है मेरे को कोई भी ईश्यू नहीं होने वाला और एक बार मैं आपको राइडिंग पोजीशन बता दूं इसका काफ़ी अच्छा राइडिंग पोजीशन आने वाला है आप साइड लुक से देख सकते हो आप इससे आराम से सिटी राइड कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हैंड काफ़ी रिलैक्स पोजीशन में है ना ऊपर है ना नीचे है ये काफ़ी रिलैक्स जो कि स्प्लेंडर की ये स्टार्टिंग से रहने वाली है कम्फर्टेबल राइड और चलिए अब बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की तो इंजन में एक बार आप लुक देख लो मैट ब्लैक का पूरा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है आपको यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको किक भी मिल जाती है अगर इन फ्यूचर अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है तो आप किक से स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर आपको सेल्फ मोटर मिल जाती है आप देख सकते हो जैसे कि और इसकी मेन अगर इंजन की बात करूँ तो आपको 97.2 सीसी की मिल जाती है एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक टू टूवेल्व के साथ आने वाली मैक्सिमम पावर की बात करूँ तो आपको एट बी की मिल जाती है ऑलमोस्ट जो कि एट थाउजेंड पर डिलीवर करने वाली है और मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो आपको एट पॉइंट जीरो फाइव एन एम का टॉर्क मिल जाता है जो कि सिक्स थाउजेंड आर पी एम पर डिलीवर करने वाली तो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है इंजन हंड्रेड सी सी के हिसाब से यहाँ पर आपको क्रोम में ही मिल जाता है लेग गार्ड जैसे कि देख सकते हैं आप और ब्रेक पैडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है सिल्वर फिनिश में जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलती है और यहाँ पर भी एग्जॉस्ट के पास एक बार मैं दूसरे मॉडल में आपको दिखा देता हूँ ये अभी डिलीवरी के लिए रेडी नहीं है जब आप डिलीवरी लेंगे तो आपको मिल जाएगी जैसे कि देख सकते हैं आपको एक यहाँ पे शील्ड मिल जाएगी हिट से प्रोटेक्शन के लिए और एक क्रोम वाला मिल जाएगा मफलर तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये और आइए एक बार आपको एग्जॉस्ट का नोट सुना देता हूँ सो आइडल पे कुछ ऐसा रहने वाला है इसके साथ और जब आप रेव करेंगे सो so, कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपको एग्जॉस्ट का नोट कैसा लगा और वहीं अगर इसकी नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो ये आप ग्रैब हैंडल देख सकते हैं आपको चेंज मिल जाती है ये आपको काफ़ी सॉलिड मिलने वाला और ओल्ड मॉडल में आपको मिलने वाला था कैरियर जो कि सिल्वर कलर की रहती थी एक बार आप देख लो ऐसा आपको देखने को मिल जाता था कैरियर जैसे कि आप देख सकते हैं आपको ऐसा कैरियर मिलता था बट वो काफ़ी स्टाइलिश कर दिया अब हीरो ने जो कि काफ़ी अच्छी सूट कर रही है इस बाइक पर और अगर वहीं सस्पेंशन की बात करूँ रेयर की तो इसमें आपको ट्विन सस्पेंशन मिलते हैं जो पहले भी आते थे जो कि सिल्वर फिनिश में रहने वाले हैं और यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं जो कि फाइव वे एडजस्टेबल है आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रेयर टायर की साइज़ की बात करूँ तो एक बार आपको मैं रेयर के टायर की साइज़ दिखा देता हूँ एटी हंड्रेड एटीन इंच एटीन इंच के इसमें आपको पूरे टायर मिलने वाले एग्जैक्ट सेम आपको फ्रंट वाले प्रोफाइल मिलने वाले हैं बट इसकी जो ग्रिप रहने वाली है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपको रेनी सीजन में काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करने वाली है ये और रियर की ब्रेक की बात करें तो ये आपको ड्रम के साथ आती है बट ये कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ रहने वाली है इसकी अगर साइज़ की बात करें तो आपको वन थर्टी एम की मिलने वाली है और कॉम्बी ब्रेकिंग का एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैकेनिज्म यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग मिल रही होगी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपको एक स्प्रिंग मिल रही है जैसे आप रेयर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फ्रंट की भी अप्लाई होगी जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा डेमो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छी हो जाती है और चलिए बात कर लेते हैं साइड पैनल की तो यहाँ पे आपको i3s की मिल जाती है और ऑल ब्लैक का थीम रहने वाला है तो काफ़ी अच्छा साइड प्रोफाइल मिलने वाला है आपको यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल जाते हैं फेंडर के रूप में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप नंबर प्लेट अटैच कर सकते हैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और इंडिकेटर आपको हेलोजन में मिलने वाले और वही पुराना वाला आपको मिलने वाला है हेलोजन में ही टेल लाइट जो कि आइकॉनिक इसकी स्क्वायर शेप की रहने वाली है टेल लाइट और आइए बात कर लेते हैं लेफ़्ट साइड की तो लेफ़्ट साइड में आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है साड़ी गार्ड और लेडी फुटरेस्ट भी मिल जाता है जो कि यहीं पे अटैच है जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको सारी फ़िटमेंट फिट करके मिलेगी और यहाँ पे आपको फुट मिल जाती है रेयर के लिए जो कि राउंड शेप में रहने वाली है अगेन ये भी काफ़ी सॉलिड बिल्ड में रहने वाली है और सेम आपको यहाँ पर भी मिल जाती है स्पलेंडर की स्टीकरिंग और स्पलेंडर की थ्री डी लोगो और ये जो चेन कवर आप देख रहे हैं फुल्ली चेन कवर मिलती है जो कि मेटल में रहने वाली तो आपको काफ़ी ड्यूरेबल रहने वाली है ये और वहीं अगर बात करूँ साइड स्टैंड की तो इसमें आपको कट ऑफ फीचर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपको चेन मेंटेनेंस टायर वायर पंचर होती है तो आप यहाँ पे सेंटर स्टैंड का भी यूज़ ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी हो जाती है अगेन और यहाँ पे आपको डुअल मिल जाता है स्विफ्ट गियर जो कि पहले भी आती थी जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक के लिए और इसके अगर गियर की बात करूँ तो आपको फोर स्पीड मिल जाती है मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि काफ़ी स्मूथ रहने वाली है यहाँ पर भी आपको स्टीकर वगैरह मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको प्रोग्राम एफ़ की मिल जाती है क्रोम में ही बैजिंग जो कि काफ़ी अच्छी लगती है ओवरऑल साइड लुक से और चलिए इसकी बात कर लेते हैं मीटर की ये एक्सटेक वेरिएंट रहने वाली तो आपको इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर मिलने वाली है ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाती है एक बार मैं आपको वेलकम एनिमेशन दिखा देता हूँ इसका यहाँ पर आपको हेलो माई हीरो देखने को मिल जाएगा एक सेकेंड यहाँ पर देख सकते हेलो माई हीरो जो काफ़ी अच्छा लगता है बीच में आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाती है जो कि काफ़ी बिग साइज़ में रहने वाली है नीचे में आपको ओडोमीटर मिलती है यहाँ पे आपको फ्यूल गॉज मिल जाती है जो कि डिजिटल में रहने वाली है यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल मीटर मिल जाती है जो कि रियल टाइम दिखाने वाली है तो आप रियल टाइम देख के अपना माइलेज निकाल सकते हो और ये छोटी सी स्क्रीन में आपको सारी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है एक अगर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसमें ऑन ऑन के टाइम आपको देखने को मिल जाती है एस एम एस कॉल अलर्ट मोबाइल की बैटरी की परसेंटेज चार्जिंग का वो सारा दिखा देता है जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है साइड में आपको सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है साइड स्टैंड इंडिकेटर हाई बीम लो बीम इंजन चेक लाइट यहाँ पे आपको न्यूट्रल की मिल जाती है लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी हो जाती है यहाँ पे एक बटन मिलती है आपको जिससे आप मोड को एक्सेस कर सकते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाती है और ओडो मिल जाती है साइड में आपको यहाँ पे एक यू चार्जर मिल जाता है जो कि आप ऑन द गो अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है और ओवरऑल डैशबोर्ड की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिलता है आपको और हैंडल की बात करूँ तो सिंगल पाइप में ही मिलने वाली है और यहाँ पर स्विच गियर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर के लिए स्विच मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हॉर्न के लिए मिल जाती है यहाँ पे आपको हाई बीम के लिए लो बीम के लिए मिलती है पास स्विच आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है और क्लच की बात करूँ तो काफ़ी लाइट मिलने वाली है जो कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है अगेन और दूसरी साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको आई की मिल जाती है ऑन ऑफ की बटन यहाँ पर आपको सेल्फ की बटन मिल जाती है और ग्रिप की बात करूँ तो काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है इसकी ग्रिप काफ़ी कम्फर्टेबल और यहाँ पर आपको नया एडिशन मिल जाता है डिस्क वेरिएंट में यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑयल रहेगा डिस्क के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आप लेवल चेक कर सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे भी आपको एंडोरेंस की ब्रांडिंग मिल जाती है और एक बार मैं आपको डी और हेडलाइट का लुक दिखा देता हूँ आप जैसे बाइक को स्टार्ट करेंगे तो आपको हेडलाइट ऑन मिल जाएगी और डी भी और इसको हाई बीम लो बीम करने के लिए आपको ऐसा मिल जाता है जैसे कि देख सकते हैं आप एक बार थ्रो आप देख लो हाई बीम लो बीम का और चलिए अब मेन इसकी प्राइजिंग की बात कर लेता हूँ तो प्राइज अभी जो है डिस्क्लोज नहीं है हीरो की तरफ से इसकी नॉर्मल जो एक्सट्रैक वेरिएंट आती है ड्रम वाली उसकी प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको सेवेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड से शुरू हो जाती है तो मेरे अंदाजे से इसका प्राइसिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको एटी फोर एटी फाइव के आसपास देखने को मिलेगा नॉर्मल वेरेंट से आपको तीन से चार हज़ार महंगी ही मिलने वाली है क्योंकि इसमें डिस्क का एडिशन हो गया जो कि काफ़ी अच्छी है सेफ्टी के हिसाब से सो so, यही था वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग